मंडी के अंदर चोरी होती है बहुत ज्यादा। हम जुआर नहीं मारे थे, हम बुद्धे हो गए, चोरी करा कुर्सी चोरी करा थी हम। का मंडी का यह फैसला हुआ कि भी इनको मंडी से बाहर किया जाए, आदमियों से काम करवाया जाए। पानीपत की अनाज मंडी में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां महिला मजदूरों ने आड़ती की झाड़ू से पिटाई कर दी, जिसे लेकर मंडी एसोसिएशन ने महिला मजदूरों के मजदूरी करने पर अनाज मंडी में बैन लगा दिया है, जिसे नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में महिला मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठीक है, हमारे बच्चे बड़े बूढ़े सब भूखे मरेंगे जो मंडी में नहीं काम करेंगे। हम जुआ नहीं मारे थे, हम बूढ़े हो गए, कोई रांड है, कोई विकलांग है, कोई कुछ है, हम कहाँ जाएंगे जिन्हों बताओ। तो काम क्यों नहीं मिल रहा, क्या काम क्यों नहीं मिला? यार क्या के एकता हो रही जी सबकी, क्या कह रहे चोरी करे कुर्सी चोरी करे जी हम, चोरी करने वाली रात ना हमें जी, हम तो काम करे सवेरे और शाम में अपने सवेरे तो बिल्कुल बंद कर दिया, बैन लगा दिया, बैन लगा दिया जी, हमने तो अपने काम जी है जी। इसके अलावा क्या कुछ काम करते हो आप लोग? हम कोई काम नहीं करते, फैक्ट्री हमने कोई लगाता, हम छच्चा भी न झाड़ू पोछा करे जी, ना हमारी कोई सुनाई करता, ना हमारे कोई काम दे रहा, फैक्ट्री में कौन लगा होगा। अभी बातचीत हुई प्रधान से, क्या गया प्रधान? तो कह रहे हैं मैं करूंगा कुछ घर घर जाकर। आड़तियों ने आरोप लगाया कि रात के समय फसल कट्टे में डालकर महिला मजदूर उठाकर ले जाती हैं। जब इस बारे में उनसे बातचीत की गई तो महिला भड़क गई और उन्होंने आड़तियों पर जमकर हमला बोल दिया। इस बारे में जब एसोसिएशन के प्रधान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मंडी के आड़तियों ने बताया था कि ये महिलाएं रात के समय में चोरी करती हैं, इस बारे में महिलाओं से बातचीत की जाएगी। वहीं एसोसिएशन ने फैसला किया है कि मंडी में आदमियों से काम करवाया जाएगा, महिलाओं से नहीं, क्योंकि मंडियों में देर रात तक कार्य चलता है जो कि महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। मेरी दुकान पे सरसों की ढेरी आ रही थी, 8-10 मजदूर लगे हुए थे, शाम को जब पंखा लग गया तो वो मजदूर बोले जी झाड़ छोड़ दो, किसान ने कहा मैं खुद लेके जाऊंगा, उस पर उन्होंने जमींदारों से 2-4 बातें कही, फिर तोल होने के बाद 10-15 किलो सरसों बच गई, उन्होंने ये चुंगी छोड़ दो, जबकि मंडी में चुंगी का उसका कोई प्रावधान नहीं है। हम 32-33 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, ये औरतें काम करती हैं, शाम को अपने जो झाड़ चुंगी ले जाती है, बाहर का किसान था, सरसों महंगे होने के कारण वो नगा भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपने डंगरों को घेर दूंगा, जब मैं आपको मजदूरी के पैसे पूरे दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी 2-3 औरतें गाली गलौज करती रही मेरे प्रति के लाला तू क्यों नहीं ठान देता, क्यों जमींदार ने क्या है ले जा वो ये वो, मैं वही अगला मालिक है अपनी चीज़ को ले जा सकता है, मैं कोई दबाव नहीं कर सकता। उसके बावजूद मैं शादी में चला गया नोलता, और सुबह जब मैं 9:30 बजे आया तो 8-10 औरतें इकट्ठी हो गई, मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ झाड़ू मारी, ठाई झाड़ू मारी, थप्पड़ मारा और गाली गलौज करते रहे। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, पर जो औरतें गंदा बोल रही थी और बोल रही थी हम मंडी से, उनको बर्खास्त करने की अपील हमने की, जबकि प्रधान जी ने का मंडी का यह फैसला हुआ कि भी इनको मंडी से बाहर किया जाए, आदमियों से काम करवाया जाए। हमारी मंडी में बाहर का कोई भी व्यापारी माल डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ चोरी बहुत होती है, औरतें बहुत चोरी करती हैं, हमारा व्यापार इनके कारण ठप कम हो रहा है। व्यापार में जमींदार को एक अपनी फसल के साथ खेत में तो चौकीदारा करना पड़ता है, यहाँ फसल ले आके भी जब तक उसका माल तुल नहीं जाता जब तक चौकीदारा करना पड़ता है, कोई उनको विश्वास नहीं है कि हमारी मंडी में माल सेफ है। ऐसा है, मंडी के अंदर चोरी होती है बहुत ज़्यादा, और कोई आड़ती अगर मना करता है तो उसके साथ ये ज़बरदस्ती करती है, धक्केबाजी करती है, उस आड़ती ने मना किया उसके ऊपर इन्होंने वो आपको स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, तो इसको देखते हुए पूरी मंडी ने ये फैसला लिया कि भाई हम आदमियों से काम कराएंगे, क्योंकि मंडी में काम रात को लेट चलता है, इससे ना तो किसी आड़ती को परेशानी हो ना किसी इसको परेशानी हो, क्या नाम लेडीज़ को दिक्कत रहे, रात को 12-1 बजे तक रहती लेडीज़ यहाँ पर, हमने ये अच्छा नहीं समझा, ये लेके पूरी मंडी ने फैसला लिया कि जेंट्स ही काम करेंगे, इन्हें घराड़े कर लो काम, हमने क्या दिक्कत अगर गरीब आदमियों को, हमारी बहन बेटी हैं भी, हम इनकी इज्जत करते हैं सबकी, हम लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है, आज कहीं ऐसा नहीं है कहीं किसी ने गलती कोई कर दी, किसी आड़ती ने कर दी, किसी और ने कर दी, उसमें दिक्कत हो जाए, तो मैं इसलिए ये समस्या इनको कोई बड़ी बात नहीं है।